फाइनली अपना टाउन हॉल 8 अपग्रेड हो गया, मतलब टाउन हॉल 7 अपग्रेड हो गया। अपने को बहुत सारे बूस्ट मिले हैं, हीरो बूस्ट, पावर बूस्ट, रिसोर्स बूस्ट और स्टार बोनस बूस्ट। तो गाइज चलेंगे बेस में। तो गाइज सकते हो अपना टाउन हॉल 8 पूरा बूस्ट लिए, हीरो भी पूरा मैक्स हो चुका है टाउन हॉल 8 के रिस्पेक्ट में, लेवल 10 का हो गया। अभी बस कुछ दिन के लिए, कितना दिन का बूस्ट है, 4 दिन का बूस्ट है। तो गाइज अभी हुआ है 1 घंटा पहले, और उस समय मैं ट्यूशन में था इसलिए मैं उस समय नहीं कर पाया, लेकिन अब आ चुके और अपने को रिजल्ट्स भी है क्लान गेम के, बहुत सारे लूट है, ट्रेजर पूरा कंप्लीट है। और आज अपन तबाही मचाने वाले टाउन हॉल 8 पे, अपने पास बुक ऑफ हीरोज है, बहुत सारी चीजें अपन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले अपन एक प्रोग्रेस बेस जो मैंने पहले ही बना रखा है उसे यूज करेंगे, बस इस बस को क्लियर करना है। तो बस को क्लियर होने देते हैं, और उसके बाद अपने पास क्या क्या है पहले मैं आप लोगों को बता दूं। अपने पास है बुक ऑफ हीरोज, यहां पे मिलियंस में लूट है, और एलेक्सर भी है, गोल्ड भी है, डार्क एलेक्सर भी है, अपने पास बहुत सारी चीजें हैं। देख सकते हो मैंने पूरा सीजन बचा के रखा था इन्हीं टाउन हॉल 8 के लिए। और यहां पे अब चलेंगे सीधा इस बेस को एक्टिव पे लाते हैं, और देख सकते हो अभी अपने को मेनली क्या चीजें अपग्रेड करनी है। देखो गाइस अपन ने ये पूरा प्रोग्रेस बेस बना रखा था टाउन हॉल 8 के रिस्पेक्ट में, इधर से आपको ये सारी चीजें अपग्रेड करती जाने हैं। सबसे पहले अपन अब टाउन हॉल को अपग्रेड किए, उसके बाद हीरोज पे अपना फोकस होगा। तो गाइस शुरुआत करते हैं हीरोज से। तो 12 घंटे लेगा, अपन आराम से दे देंगे क्योंकि अपने पास बुक ऑफ हीरोज की कमी नहीं है, तो बुक ऑफ हीरोज दे देंगे। और उसके बाद 12,000 चाहिए, अबे भाई हमें मत सिखा, क्योंकि अपने पास डार्क एलिक्सर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। क्या गया ये रहा, और 1 जेम लेगा यहाँ पे, आजा 10,000 वाले लेते हैं। उसके बाद हीरोज को एक बार और लगा देंगे। तो गाइस फाइनली और बुक ऑफ हीरोज को अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ बुक ऑफ हीरोज भी कलेक्ट कर लेते हैं और इसे अपग्रेड से कंप्लीट कर देते हैं। फाइनली लेवल 8 का हो गया, मतलब 7 का हो गया सॉरी, और यहाँ पे 10 का इसलिए क्योंकि बूस्ट है अपने पास, देख सकते हो यहाँ पे 10 का है, आर्मी भी बूस्ट है। और अपने को जो चीज करनी है वो है लैब मैक्स करना, मतलब जल्दी से जल्दी 16 घंटे में खत्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे स्पेल टावर जो से अभी अपन अपग्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद स्टोरेजेस पे आएंगे, 1 गोल्ड और 1 एलेक्सर, तो यहाँ पे स्टोरेजेस भी अपन अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आर्मी कैंप पे आते हैं, आर्मी कैंप भी अपग्रेड नहीं कर सकते, अब बताओ। उसके बाद आएंगे वॉलक्री, गाइस वॉलक्री टाउन हॉल 8 पे, गो वॉलक्री, गो वाहो जो अटैक स्टडी बहुत फेमस है, तो इसे अनलॉक कर लेंगे। उसके बाद बैरक्स में पिक्का खुलेगा, और पिक्का खुलने के लिए अपन डाल देंगे, यहाँ पिक्का खुल जाएगा। उसके बाद अपने को क्लान कास्टल अपग्रेड भी करना है, तो क्लान कास्टल के लिए अपने पास एक बिल्डर है, लेकिन अपने पास जो लूट है ना वो फालतू में जाएगी, इसलिए आज अपन पूरे मतलब जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा वॉल्स को अपग्रेड करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले पूरे लूट को कलेक्ट करेंगे, यहाँ 20,000 है इसे भी कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग पोजन है कलेक्ट करेंगे, हीरो पोजन है इन्हें भी कलेक्ट कर लेंगे, और फाइनली हमने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, अपने पास क्लान कास्टल तो एलेक्सर से लगेगा, तो गोल्ड यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो गोल्ड 1 यहाँ लग जाएगा, और 1 गोल्ड इस वाली लाइन में एलेक्सर लगा देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे एलेक्सर तो गया, लेकिन नहीं गाइस ट्रेजर पूरा फुल है, टेंशन बिल्कुल नहीं। देख सकते हो कितनी सारी वॉल्स अपन ने अपग्रेड कर दी है, और ये वाली शायद इसके लिए अपने को एक अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। चलते एक अटैक के लिए, अब बेस ढूंढते उस पर अटैक करेंगे। तो दोस्तों टाउन हॉल 7 का बेस है, अपने को तो बस लूट चाहिए, लूट अच्छी है। और यहाँ पे अपन एक ड्रैगन डाल देंगे, ड्रैगन यहाँ डाल देंगे, ड्रैगन ड्रैगन, और उसके बाद सारे के सारे ड्रैगन्स, बलून्स, रेज स्पेल, जल्दी से जल्दी बेस खत्म हो जाए। हीरो लेवल 10 है, इसे यहाँ डिप्लॉय कर देंगे ताकि जल्दी से जल्दी बेस खत्म हो जाए, क्योंकि गाइस मेरे को वीडियो लंबी बनाना अच्छी नहीं लगती, छोटी और बहुत मजेदार वीडियो। यहाँ पे सारे ड्रैगन भटक रहे हैं, और ड्रैगन यार जल्दी करो यार, ये डिफेंस बहुत गंदा डैमेज दे रहा है। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे ड्रैगन सेंटर्स में आ चुके हैं, मतलब सारे नहीं आए लेकिन कुछ तो आ गए। यहाँ रेज स्पेल यूज कर लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। यहाँ पे 2 ड्रैगन इधर है हीरो के बगल में, और 1 ही बलून बचा है। गाइस इस अटैक में ना मेरे बलून्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सीसी से बलून नहीं लाते। इस अटैक में टाउन हॉल 7 पे होना, तो टाउन हॉल 7 पे ये अटैक यूज करना, और बलून्स को तो जरूर सीसी में ले आना, ताकि 100% कंफर्मेशन हो कि आपका बेस मतलब जिस पे अटैक करने जा रहे हो वो 3 स्टार हो जाए। तो गाइस 89% हो चुका है, बारबेन किंग की एबिलिटी ले लेंगे और जल्दी खत्म हो जाए। यहाँ 95 या 97 या 99 और फाइनली 100%, 24 ट्रॉफीज, और उसके साथ हमें यहाँ पे लूट मिल चुकी है, 2 लाख, 1 लाख और 435 डार्क लेजर। यहाँ डार्क लेजर फालतू में वेस्ट में ही जा रहा है। और यहाँ पे सबसे मस्त बिगर एंड बेटर टाउन हॉल 8 पे 20 जेम्स, मेरे को बहुत पसंद है जेम्स कलेक्ट करना। यहाँ देख सकते हो आर्मी क्विक ट्रेन डाल देंगे, और अपने को थोड़ी सी लूट और चाहिए, एक अटैक और कर परफॉर्म करेंगे जिसे जल्दी से जल्दी अपने को परफॉर्म करना होगा। यहाँ पे बेस अच्छा ढूंढते हैं। तो गाइज लूट वाला बेस है, बहुत ही ज़्यादा लूट है, इसी बेस को अपन फोड़ेंगे। लेकिन अपने को दिक्कत क्या है कि क्या कहाँ से स्टार्ट किया जाए। ये इसने भी गाइज टाउन हॉल 8 पे जल्दी आया वैसे, नहीं हाँ बूस्ट किया तो है, लेकिन चलो करते हैं किधर से करें यार, इधर से स्टार्ट करते हैं इधर से, और ड्रैगन्स बीच में डिप्लॉय कर देंगे, और जैसे ही ड्रैगन अंदर जाने लगे बलून से यूज़ करेंगे। एक रेज स्पेल इधर, ताकि जल्दी से जल्दी डिफेंसेस वगैरह खत्म हो जाए। उसके बाद एक कॉर्नर में बिल्डिंग्स तो नहीं है ना, नहीं है, और यहाँ पे इंतजार करेंगे बलून्स का सेंटर में आने का, जल्दी से जल्दी सेंटर में आ जाए, और वही अपने लिए फायदेमंद है। और ये बलून भटक जाते हैं, ये मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को तो बस ये अच्छा लगता है कि सारे के सारे ड्रैगन्स बलून्स ये डिफेंस को क्लियर कर ले, ताकि बेस
को फोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। फाइनली यहाँ पे सारे के सारे एयर डिफेंस कंप्लीट हो चुके हैं और विजेट टावर वगैरह ही और आर्चर टावर ही बचे हैं जो अपने ड्रैगन को डैमेज देने वाले। लेकिन हीरो के लिए डैमेज तो ऊपर नीचे हर जगह से, हीरो तेरी किस्मत बहुत फूटी हुई है। यहाँ देख सकते हो लूट भी अपने को, अभी स्टार बोनस भी मिलने वाला है यानी ट्रेजर फिर से भरने वाला है। ट्रॉफीज मेरी घट गई थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल भी नहीं रहा था इस अकाउंट को उतना, इसलिए अपने को शायद थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अपन उससे भी काम चला लेंगे। 3 स्टार हो चुका है। किंग की एबिलिटी भी नहीं ली लेकिन अपने आप एबिलिटी ले गई, अच्छी लूट थी। और देख सकते हो इतनी ज्यादा लूट फिर से आ गई और इसे कलेक्ट करेंगे और फिर से अपग्रेड पे डाल देंगे एक वॉल्स को। यहाँ अपन एक वॉल को अपग्रेड पे लेक्जर दें, नहीं गोल्ड देंगे, और ये डाल दिया अपन ने। और उसके बाद इसको कितना चाहिए, 1 करोड़, यानी अपने को थोड़ा सा कम वो करना पड़ेगा। ओहो यानी 3 करोड़ 32, यानी 1 तो मूव करना ही पड़ेगा। 1 इधर कर देते हैं, हाँ शायद इधर, उसके बाद इधर डालते हैं और 1 इधर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपन डाल ही देते हैं गाइज, किसको डालना था, आर्मी अपने क्लान कास्टल को। 25 कैपेसिटी हो जाएगी, मजा आएगा और स्पेल भी मिलने लगेंगे, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं। तो गाइज चारों के चारों बिल्डर फ्री हो चुके, मतलब बिजी हो चुके हैं, और अपन ने आज हीरो को भी मैक्स किया और बहुत सारी चीज़ें। अरे गाइज मेरे को हीरो भी मैक्स करना था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हीरो को भी जल्दी से जल्दी अपग्रेड करेंगे। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आया होगा, मुझे भी खुद मजा आया। और क्लान गेम के तो रिवार्ड अभी कलेक्ट ही नहीं किए, नेक्स्ट वीडियो में कलेक्ट करेंगे और खूब तबाही मचाएंगे। और जब तक के लिए 8 स्लीप क्लास रिपीट।